तो गाइस एक मैच या फिर उतने ही लंबे प्रैक्टिस सेशन में आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको एक प्रैक्टिस सेशन या फिर एक गेम के दौरान कितना पानी पीना चाहिए, एक प्रैक्टिस सेशन से पहले और प्रैक्टिस सेशन से कितनी देर बाद आपको कितना पानी पीना चाहिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, इसमें मैं आपको कुछ आइडिया देने वाला हूँ जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि कितना पानी आपको ट्रेनिंग से पहले, ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद या फिर आपके मैच के दौरान, मैच के बाद या फिर मैच से पहले पीना चाहिए। गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि गाइस आप लोग से कई ज्यादा प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनको ये आइडिया नहीं होगा या फिर कंफ्यूजन होगा कि ट्रेनिंग से पहले, ट्रेनिंग के बीच में या फिर ट्रेनिंग के बाद या फिर मैचेस से पहले, मैचेस के बीच में या फिर मैचेस के बाद कितना पानी पीना चाहिए, कितने टाइम पहले कितना पानी पीना चाहिए। और तो गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये चीजें आपको स्किप नहीं करनी, इसीलिए आपके लिए आज मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना गाइस। तो गाइस एक फुटबॉल प्लेयर के लिए हाइड्रेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि गाइस सबसे पहली बात तो बॉडी टेंपरेचर मेंटेन करता है, ठीक है। उसके अलावा गाइस आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक रहता है और आपकी जो जॉइंट्स है उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और साथ साथ आपकी जो इंजरीज हैं वो भी इससे चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है, अगर आप पानी सही अमाउंट में ले रहे हो। और मैं आपको बता दूं सिर्फ पानी ही नहीं, अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है तो आप इलेक्ट्रोलाइट भी कंज्यूम कर सकते हैं। आप अपना पेन पेंसिल नोटबुक जो भी है ले आए क्योंकि मैं आपको अब बताने वाला हूं कि आपका प्रैक्टिस गेम या फिर ट्रेनिंग या फिर मैच उससे पहले, उसके दौरान और उसके बाद आपको कितने टाइम पहले कितना पानी पीना चाहिए और ये आप नोट कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर तो गाइस जरूर कर देना, जो भी आपके नोन में, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो फुटबॉल खेलते हैं उनको ये वीडियो, उन तक पहुंचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। और गाइस मैं आपको बता दूं जैसे ही आप ये वीडियो देखोगे ना, नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में आप पानी की बोतल रखना आपके लिए कंपलसरी मान लो, ठीक है, कि आपको लेके ही जानी है। क्योंकि गाइस आपको क्या होता है, आप किसी और की बोतल से या फिर कोई और सोर्स से आप पानी पी रहे हो तो आपको ये नहीं पता है कि आपकी बॉडी में कितना पानी जा रहा है। अगर आप अपनी बोतल लेके जा रहे हो आपको एक आइडिया है कि उसकी कैपेसिटी इतनी है और उसमें इतना पानी आ जाएगा और आपने जितना सोचा था आपने उतना पानी पिया है या नहीं। तो गाइस जो भी आप ये वीडियो देखोगे उसके बाद आपको अगले सेशन से वाटर बोतल कंपलसरी लेके जानी है, अगर आप प्रैक्टिस करने जा रहे हो, आप मैच में जा रहे हो। तो गाइस अब आप ध्यान से सुनना, ठीक है, और मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेनिंग से 2 घंटे पहले आपको 500 ml पानी पीना है, 500 मिलीलीटर आपको 2 घंटे पहले पानी पीना है, ठीक है। इसके बाद ट्रेनिंग से 15 से 20 मिनट पहले आपको 120 से 150 मिलीलीटर पानी पीना है और ट्रेनिंग या फिर मैच के दौरान, ये जो मैंने अभी बात बताई ये ट्रेनिंग और मैच दोनों के लिए लागू होता है, और ट्रेनिंग या मैच के दौरान आपको हर आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीना है, ठीक है। आपने देखा होगा ISL वगैरह के मैच में भी देखा होगा आपने, आफ्टर 30 मिनट्स एक वाटर ब्रेक प्लेयर्स को दिया जाता है, ठीक है, फर्स्ट हाफ में भी और सेकंड हाफ में भी। तो ये कहीं ना कहीं आप इसमें रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और गाइस ट्रेनिंग के बाद आपको 500 ml पानी पीना है और ये तभी इजिली हो पाएगा जब आप अपनी एक बॉटल लेके जाओगे। जैसे कि मेरे पास कोई वाटर बॉटल है, मुझे पता है उसकी क्वांटिटी, उसमें 1 लीटर पानी आता है। तो अगर ट्रेनिंग के बाद मुझे 500 ml पानी पीना है तो मुझे पता है वो आधा अगर मैं पी लूंगा तो मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। तो इसी तरीके से गाइस मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप बॉटल जरूर रखें, एक अच्छी हैबिट काउंट होगी ये, आप बॉटल रखोगे तो आप अपना खुद ध्यान रख रहे हो, ठीक है। इसके अलावा गाइस थोड़ा मैंने बताया वो शेयरिंग वाली बात, क्योंकि आजकल कोविड का भी टाइम चल रहा है और इसके अलावा अपनी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बॉटल जरूर रखना, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था और गाइस ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। और शेयर करना, कमेंट्स में बताना वीडियोस कैसी लगती है, नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, पीस आउट।